राजस्थान के सियासी संकट का अंत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस जंग में तेजी से एक के बाद एक कदम चल रहे अशोक गहलोत को अब अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र पर दबाव बनाने के लिए अशोक गहलोत ने धमकी दी और फिर राजभवन के घेराव का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया। लेकिन अब कांग्रेस इन बातों से पलटी मारना चाहती है। वजह ये कि कहीं वे राजभवन का घेराव करने जाएं और राज्यपाल कानून व्यवस्था का हवाला देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश न कर दें। इसी डर से अब कांग्रेस जयपुर में राजभवन का घेराव नहीं करेगी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में वे राजभवनों का घेराव करेंगे और अपनी सियासत भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अभी तक राज्यपाल कलराज मिश्र कोई फैसला नहीं ले सके हैं। गौरतलब है कि राजस्थान की सियासत अब राज्यपाल कलराज मिश्र के इर्द गिर्द घूम रही है। सीएम गहलोत जहां विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, वहीं राज्यपाल सत्र बुलाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। राजस्थान की लड़ाई को अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। पूरे देश में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। राजस्थान की सियासत को लेकर अब कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार है। हालांकि कांग्रेस ने राजस्थान राजभवन के बाहर प्रदर्शन नहीं करने का प्लान बनाया है। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के आसपास नहीं जाएगा। दरअसल राज्यपाल कलराज मिश्र भी कांग्रेस के हमले को लेकर एक्शन की तैयारी में हैं। कल राज्यपाल कलराज मिश्र ने आला अधिकारियों के साथ मामले को लेकर चर्चा की और इसके बाद सीएम अशोक गहलोत को डर सताने लगा कि कहीं राजभवन के बाहर प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश न हो जाए। अशोक गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा है। सूत्रों की माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।